आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई दिसंबर माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा बैठक। कार्यक्रम के सफल आयोजन के दिए निर्देश। झगड़ा थाना क्षेत्र के जिद्दुपुर गांव में रविवार को दो पक्ष में हुए जमीनी विवाद को लेकर दिन दहाड़े चली गोली। दो की मौत, पांच घायल। मौके पर पहुंचे पुलिस तफ्तीश में जुटी। एसएसपी ने कहा पांच टीमें गठित कर दी जा रही हैं, आरोपी की तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जनपद की 316.17 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा दिसंबर माह में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे फर्टिलाइजर व एम्स का उद्घाटन। फर्जी नौकरी और विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ एसपी सिटी ने शुरू किया ऑपरेशन ईगल। पुलिस लाइन में पीड़ित व्यक्तियों की सुनी फरियाद। कहा ऑपरेशन ईगल के तहत पीड़ित व्यक्तियों को मिलेगा न्याय। कॉकलियर इम्प्लांट कराने वाले मूक बधिर बच्चों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की भेंट, हुए भावुक, किया खूब दुलार। कहा मूक बधिर बच्चों को नौजीवन देने में आगे आए चिकित्सक। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को चंपा देवी पार्क से निकाली गई विशाल ट्रैक्टर रैली। किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा किसानों के समृद्धि का प्रतीक है ट्रैक्टर। किसानों के दम पर प्रदेश में दोबारा बनेगी योगी सरकार। और 1 से 4 दिसंबर तक आयोजित होगा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज तृतीय अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता। 17 टीमें होंगी शामिल। विजेता टीम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे पुरस्कृत। खेल निदेशक ने दी जानकारी।